चूहे फ्रांस में छुट्टे घूम रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान वे लगभग हर बड़े शहर में फैल गए। चूहों पर नियंत्रण करने वाले थेरी बोदा भी लगातार हरकत में हैं। वे लगातार बेसमेंटों में जाकर चूहों के लिए फंदे बिछा रहे हैं। आप इस काम में डरपोक नहीं हो सकते, क्योंकि चूहा कभी भी आप पर छलांग लगा सकता है। और यहाँ वाकई बहुत सारे चूहे हैं, लॉकडाउन के मुकाबले कहीं ज्यादा। तब चूहे पकड़ने वाले इतने व्यस्त नहीं थे। चूहों की आबादी तेजी से कई गुना तक बढ़ सकती है। एक चूहिया 2-3 महीने पर 8 से 10 संतानों को जन्म देती है। इस तरह 2 साल में करीब 1 लाख चूहे तक। ये कभी न थमने वाली जंग है। स्ट्रासबुर्ग के खूबसूरत अल्सास मेट्रोपोलिस तक में चूहों के बढ़ने के लिए महामारी के दौरान अनुकूल परिस्थितियां मिली। इस दौरान ये कई गुना बढ़ गए और तब से ही हर ओर नजर आ रहे हैं। ये प्लेग है। स्ट्रासबुर्ग असल में काफी साफ है, लेकिन निवासियों को थोड़ा और ध्यान सफाई पर देना चाहिए। आपको चूहे हटाने ही होंगे। मैं चूहों के विरोध में हूँ, उनसे मुझे डर लगता है। खूबसूरत स्ट्रासबुर्ग शहर के गरीब इलाकों में भी ये समस्या काफी ज्यादा फैली हुई है। हमीदा बुटघाटा यहाँ पिछले 30 साल से रह रहे हैं। वे नगर प्रशासन से काफी नाराज हैं। यहाँ लोग हैं जो चूहों के बीच रहते हैं, जिनके पास कारें हैं उनकी केबल कट जाती हैं। यहाँ बच्चे हैं, माएं हैं जिन्हें चूहों ने काटा है। अब नगर निकाय के सदस्य बहस कर रहे हैं कि इसे कीटों का हमला माने या कोई समस्या। तो ये लोग या तो हवा में हैं, जमीन से कटे हुए, या फिर इनका इलाज जरूरी है। पार्षद बेन्यामिन सुले चूहों का खात्मा नहीं चाहते, लेकिन उन्हें जमीन के नीचे रखना चाहते हैं। तो इसलिए पहली कार्रवाई इस कूड़ा घर पर। वहाँ छेद थे, चूहे यहाँ आ गए, इसलिए हमने यहाँ जालियाँ लगा दी हैं। वो इसे पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत से निवासियों को शिकायत है कि चूहे जा ही नहीं रहे। वहीं नगर परिषद बढ़ते चूहों को घरों से निकली एक परेशानी बताता है। उनके मुताबिक लोगों ने लॉकडाउन में कुछ ज्यादा ही खाना पका लिया था। ये कोविड लॉकडाउन का असर है, क्योंकि लोगों ने उस दौरान बहुत खाना पकाया और बहुत सा बचा खाना फेंका भी। घर के आसपास ही बहुत कूड़ा रहा, रेस्तरां बंद रहे। इन सब की वजह से चूहों का आतंक बढ़ गया। और ये पूरे फ्रांस में है। अनुमान के मुताबिक हर बड़े शहर में रहने वाले किसी शख्स के मुकाबले 2 गुने चूहे हैं। इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटना होगा। चूहे पकड़ने वाले थियरी बोदा ने चूहों का सामना ज्यादा प्रभावी ढंग से करने के लिए एक ट्रेनिंग कोर्स लिया है। चूहे हमेशा रहेंगे। यहाँ बहुत से घर हैं, खास तौर पर सोशल हाउसिंग, तो हमारी जरूरत हमेशा रहेगी। अब बोदा और उनके साथ ही ये तकनीक हर जगह आजमा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाला वक्त फ्रांस के लोगों के लिए बेहतर हो पाएगा।